चलो वी आर स्टार्टिंग विद बेटा परसेंटेज। अभी सर परसेंटेज में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या ट्रिक पढ़नी है वो स्टार्ट करते हैं बेटा। इफ आई विल से यू, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी परसेंटेज में दिया हो, परसेंटेज में दिया हो तो डिवाइड बाय 100, और कभी भी परसेंटेज में निकालना हो, परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या, परसेंटेज में दिया हो तो क्या डिवाइड बाय 100, और परसेंटेज में निकालना हो तो क्या मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये एक बेसिक चीज है जो हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि परसेंटेज में कभी भी दिया हो, जैसे अगर आपको 5%, 8%, 10% ऐसा कुछ भी दिया हो तो हर चीज के डिवाइड में क्या आ जाएगा 100, और कुछ भी चीज परसेंटेज में निकालनी होगी, परसेंटेज में क्या करनी होगी, निकालनी होगी तो आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। चलो नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन एंड फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे अपन कुछ कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में। अगर मैं बोलूं एन आर्टिकल इज मार्क्ड, एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 25% अबोव कॉस्ट, 25% अबोव कॉस्ट एंड देन अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ, डिस्काउंट ऑफ 20%, देन अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ व्हाट 20%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन आर्टिकल। सर पहला थोड़ा सा टाइम आपको दिया, सर आपको टाइम दिया, इसका मतलब पहले समझो, अगर एक आर्टिकल था कितने रुपए का, 100 रुपए का था, कितने का 100 रुपए का, इसको मार्क्ड अप करा 25% अबव कॉस्ट पे, मतलब 100 का कितना परसेंट, 25%, और 100 का 25% तो 25 ही होगा, तो इसकी मार्क्ड प्राइस लिख दी 125, क्या कर दी 125। एक चीज मैं 100 रुपए की खरीद के लाया और 100 रुपए की चीज को मैंने मार्कडअप कर दिया 25% पे, तो चीज हो कितने की गई बेटा, वो 125 रुपए की हो गई। अब इस पे मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, इस पे मैं क्या दे रहा हूं डिस्काउंट, कितना परसेंट 20%। तो अगर आप 125 का 20% निकालेंगे तो सर वो कैसे निकाला जाएगा, 125 का 20% ऐसे निकाला जाएगा कि परसेंटेज में दिया है तो क्या होगा बेटा, परसेंटेज में दिया है तो डिवाइड बाय 100, तो 125 का 20% निकालेंगे तो ये 1 जा, ये 5 जा, ये 25 जा, तो डिस्काउंट कितना हो गया 25, तो 125 माइनस कितना 25, 125 माइनस 25, तो आप बेच कितने में रहे, ये जो आपके पास 100 आ गई वो क्या आ गई सेलिंग प्राइस, क्या आ गई आपके पास सेलिंग प्राइस, मतलब 100 की चीज को पहले लिखा 125, फिर उस पर डिस्काउंट दिया, क्या दिया डिस्काउंट, ये तो क्या अपने पास डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना रुपया आ गया बेटा 25 रुपए, तो चीज को बेचा कितने में 100 रुपए में, तो 100 की चीज को खरीदा भी 100 में और बेचा भी 100 में, तो नेट प्रॉफिट या लॉस अपना कितना हो गया, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अपना हो गया 0, और 0 का मतलब फिर 0%, 0 का मतलब कितना 0%। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता। इन अ इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स, ऑफ द टोटल वोट्स एंड वॉन बाय 400 वोट्स, एंड वॉन बाय 400 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। ये सेकेंड वेराइटी का क्वेश्चन, क्या कोई बच्चा इसका, सर क्या चलेगा इसका, मुझे एक बात बता, अगर विनर को 60% वोट मिले तो बट ऑब्वियस सी बात है जो भी लूजर होगा उसको कितने वोट मिले होंगे, सर 40%, बट ऑब्वियस सी बात है, तो इसने कितने परसेंटेज से विन किया इलेक्शन, 20%, तो ये जीता कितने से, 20% ऑफ टोटल वोट्स इज इक्वल टू कितना 400, क्योंकि जीता तो 20% से ही है ना अल्टीमेटली, अगर विनर को 60 मिले तो लूजर को कितने मिले 40, तो अगर विनर को 60 मिले और लूजर को 40 मिले तो ये जीता कितने से है 20% ऑफ टोटल वोट्स, 20% ऑफ टोटल वोट्स, तो अगर आप टोटल वोट्स देखोगे तो टोटल वोट्स इज इक्वल टू, इसको 100 को ऊपर भेज दो तो 400 इंटू 100 डिवाइड बाय कितना 20, 1 जा 5 जा, सो
तो टोटल वोट्स आर, टोटल वोट्स आर 2000, टोटल वोट्स आर 2000। क्या सबको समझ में आया कि टोटल वोट्स कैसे आया? 25% ऑफ अ नंबर इज लेस देन 40% ऑफ अ नंबर बाय 300। फाइंड द नंबर, वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द नंबर। तो सर ठीक है ना सर, आप तो ऐसा बोलना चाहते हो कि 40% ऑफ अ नंबर माइनस 25% ऑफ अ नंबर, वो नंबर क्या है x इज इक्वल टू कितना 300। सीधी बात है ना, 40% ऑफ अ नंबर माइनस 25% ऑफ अ नंबर, तो नेट कर ले तो 15% ऑफ अ नंबर ही आ गया इज इक्वल टू कितना 300। तो सर ये 1 जा, ये कितना आ गया 20 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2000, x इक्वल टू कितना आ गया 2000। तो सर नंबर कितना है आपके पास, ठीक है ना। सौरभ गॉट 40% ऑफ द टोटल मार्क्स, ऑफ टोटल मार्क्स एंड फील्ड बाय, एंड फील्ड बाय 20 मार्क्स, एंड संजय गॉट 50% ऑफ टोटल मार्क्स, 50% ऑफ टोटल मार्क्स, ऑफ टोटल मार्क्स एंड पास्ड बाय 30 मार्क्स। फाइंड द पासिंग मार्क्स एंड परसेंटेज, फाइंड द पासिंग मार्क्स एंड परसेंटेज। बेसिक लॉजिक कि मुझे नहीं पता पासिंग मार्क्स को कितने हैं x, जब एक बंदे को 40% ऑफ मार्क्स आ रहे हैं तो वो फेल हो जा रहा है 20 मार्क्स, मतलब वो पासिंग मार्क्स से कितना पीछे 20। एक दूसरे बंदे को 50% मार्क्स आ रहे हैं और वो पास हो रहा है 30 मार्क्स से, पास कितने हो रहा है 30 मार्क्स से। तो मुझे बताओ एक दो बच्चे, एक बेचारा फेल हो गया 20 मार्क्स से और एक बेचारा पास हो गया 30 मार्क्स से, इन दोनों के मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा बताओ, इन दोनों के मार्क्स के बीच में डिफरेंस कितना होगा, 20 का होगा, 30 का होगा कि 50 का होगा? एक तो फेल हो गया 20 से, एक क्या हो गया फेल हो गया 20 से, और एक पास हो गया कितने से 30 से, एक फेल हो गया 20 से, एक पास कितने से हो गया 30 से। तो इन दोनों के बीच के मार्क्स का डिफरेंस कितना हो गया 50, कितना हो गया बेटा 50। और परसेंटेज में डिफरेंस कितना है 10%, तो मैं क्या बोल सकता हूं क्या 10% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 50। क्यों? क्योंकि मार्क्स में डिफरेंस 50 का है और परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है 10 का है, तो ये 10% ने कितने का झोल कर दिया 50 मार्क का। आई रिपीट, ये 10% ने कितने का झोल कर दिया बेटा 50 मार्क का। तो कहना है से x इज इक्वल टू कितना 500, कहना है से x इज इक्वल टू कितना 500। अगर x 500 है, अगर x 500 है तो सिर्फ बच्चा मुझे इतना बता दे कि टोटल मार्क्स तो 500 है। अब इसको सौरभ को कितने मार्क्स है, सर सौरभ को आए 40%, 40% ऑफ 500, तो सर 40% ऑफ 500 निकालेंगे तो ये तो आ जाएगा 200। क्या सर सौरभ 200 पे पास हो गया कि फेल हो गया? सर ये 200 पे भी क्या हो गया था, फेल हो गया था, कितने मार्क्स से, 20 मार्क्स से। तो सर इसका मतलब सौरभ को आने कितने चाहिए थे 220 मार्क्स, तो सर पासिंग मार्क्स कितने हो गए, सर पासिंग मार्क्स हो गए 220। आई रिपीट, पासिंग मार्क्स हो गए 220। सर अगेन थोड़ा सा शॉर्टकट में था बेटा, अगर तुम देखोगे तो x को कितना है 35% मार्क्स और फेल कितने से हो गया 50 से, y को कितना है 50% मार्क्स और पास कितने से हो गया 25 मार्क्स से। तो सर इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, इन दोनों में सर देखो परसेंटेज वाइज डिफरेंस तो 15% का है और मार्क्स वाइज डिफरेंस 75 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बेटा 50 नीचे है और एक 25 ऊपर है, बेटा एक 50 नीचे और एक 25 ऊपर है। तो 15% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 75, 15% ऑफ x इज इक्वल टू कितना 75, तो ये 1 जा आ गया और ये कितना आ गया 5 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 500। आई रिपीट, x इज इक्वल टू कितना आ गया 500, मतलब टोटल मार्क्स कितना आ गया 500। अब अगर इसकी बात करें तो इसको 50% ऑफ मार्क्स आए, 50% ऑफ 500,
सर दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125, देख लो ना बेटा 50% ऑफ 250, तो इसको 250 मार्क्स आए, तो 250 मार्क्स पे ये पास हुआ है कि पासिंग से प्लस 25 आए? सर पासिंग से प्लस 25 आए, इसका मतलब पासिंग तो 225 ही थे, इसको तो 25 मार्क्स क्या आ गए ज्यादा, तो अगर इसको पासिंग से प्लस 25 आए हैं मतलब क्या 250 पासिंग मार्क्स है कि पासिंग मार्क्स से ज्यादा है? 250 बेटा पासिंग मार्क्स से ज्यादा है, तो मार्क्स कितने हो जाएंगे 225, कितने हो जाएंगे 225, डू यू गॉट दैट? करेंगे अ बैट्समैन स्कोर 1110 रन्स, अ बैट्समैन स्कोर 110 रन्स एंड इन्वॉल्व्स फोर सिक्सेस एंड सिक्स फोर्स एंड सिक्स फोर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज रन्स आर स्कोर्ड इन बाउंड्रीज, आर स्कोर्ड इन बाउंड्रीज, इसके परसेंटेज के क्या मार्क्स या क्या रन बाउंड्री, अगर मैं देखो बोलूं इसको स्टार्ट करें तो मुझे तो बता कि 4 सिक्सेस मतलब 4 इंटू 6 दैट इज 24 रन्स, 6 इंटू 4 दैट इज अगेन 24 रन्स, तो उसने बाउंड्रीज में रन्स कितने बनाए 48 रन्स, ठीक है सर, तो 48 अपॉन में कितना 110 इंटू 100, क्योंकि सर आपने आज हमको पहली ट्रिक ही बताई जब भी परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, तो जब भी परसेंटेज में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 100, तो 48 अपॉन 11 इंटू 100 तो दैट इज समथिंग 480 बाय 11, और अगर आप 480 बाय 11 की बात करते हो तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट 43.66%, जिन बच्चों ने आंसर दिया है 100% सही आंसर दिया है, बोलो एक बार लास्ट पार्ट रिपीट कर दीजिए। हाँ लास्ट पार्ट में बेटा देख सिंपल सर, ए's इनकम इज 20% मोर देन बी's इनकम, देन बाय व्हाट परसेंट बी's इनकम इज लेस देन ए's इनकम, अगर ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम ए की इनकम से कितना प्रतिशत कम है? मुझे छोटी सी बात बता, लेट्स से अगर मैं तुमको बोलूं बी की इनकम है बीज इनकम, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं अगर बी की इनकम 100x है तो बताओ ए की इनकम क्या होगी सर? बट ऑब्वियस बात है ए की इनकम बी की इनकम से 20% ज्यादा है मतलब 20x ज्यादा है मतलब 120x कितनी है 120x, ठीक है सर। अब ये पूछा है कि बाय व्हाट परसेंट बीस इनकम इज लेस देन ए इनकम, तो बताओ बी की इनकम ए से कितनी लेस है? सर लेस तो 20x ही है लेकिन पूछा क्या है ए से कितनी लेस है, ए से कितनी लेस है, ए से कितनी लेस, मतलब बेस में क्या लेना पड़ेगा कि सर बी की इनकम ए से है तो कम 20x ही, लेकिन इस बार आपको बेस में लेना पड़ेगा ए इनकम, क्योंकि आपसे पूछा क्या है ए के मुकाबले कितनी कम है, तो 20x अपॉन में 120x इनटू कितना 100। सर क्यों एक्स एक्स तो कैंसिल, 1 6 और करोगे तो आंसर आएगा 16.67% या 16.66%। सर इस बार आपको बेस किसको लेना था, ए को, बेस किसको लेना था बेटा ए को, बहुत सिंपल सा खेला सर, यही गेम खेला होगा आपने कि सर आपने बी की इनकम मान ली होगी कितनी 100x, तो ए की इनकम उससे कितनी आ रहा है 50%, तो सर यहाँ पे हो गई होगी ए की इनकम 150x। अब आप पूछ रहे हो ए की इनकम बी की इनकम से कितनी कम है, मैंने बोला 50x ही कम है, बट बेस किसको लेंगे, बीस इनकम इज लेस देन व्हाट एज इनकम, ये जो बेस है बेस में क्या लेंगे ए की इनकम, बेटा बेस में क्या लेंगे ए की इनकम, तो इनटू कितना बेटा 100, तो ये 1 ये 3 कम्स आउट टू बी कितना 33.33%, ठीक है सर क्वेश्चन तो अच्छा था। नाउ एवरीवन गॉट इट, बताते हैं सर अब क्या बात करें, एज इनकम इज, एज इनकम इज 20% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 50% ऑफ सीज इनकम, व्हाट परसेंटेज ऑफ एज इनकम इज सीज,
व्हाट परसेंटेज ऑफ एज इनकम इज सीज इनकम। सर कैसे पैसे के? तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर उल्टा चालू करोगे ना तो ज्यादा इजी पड़ेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय उल्टा? तो बेटा उल्टे का मतलब ये जा रहा है कि आपको बोला है कि सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूं सीज इनकम को, सीज इनकम को अगर मैं मान लू 100x, सी को कितना मान लू 100x, तो बता बीज इनकम क्या है? बीज इनकम इज 50% ऑफ सीज इनकम। तो सर बी की इनकम कितनी हो जाएगी? 50% ऑफ इसका, तो 50% कितना हो गया बी की इनकम? 50x। तो सर बी की इनकम तो हो गई कितनी? 50x। ठीक है सर, बी की इनकम क्या हो गई? 50x। आई रिपीट, बी की इनकम क्या हो गई? 50x। ठीक है बेटा, अब ए'ज इनकम इज 20% ऑफ बी'ज इनकम, तो जो ए की इनकम है वो क्या है? 20%। लेकिन 20% कितने का? टोटल का कि बी की इनकम का? टोटल का कि बी की इनकम का? तो 20% ऑफ बी'ज इनकम मतलब 50x का। इसको करोगे सॉल्व तो बेटा आ गया हमारा कितना? 10x। तो सर ए की इनकम तो कितनी है? 10x। ए की इनकम कितनी आ गई? 10x। और सी की इनकम कितनी थी? 100x। तो आपसे पूछा है बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ एज इनकम इज सीज इनकम। तो कार्तिक मुझे थोड़ा सा पैसा वापस कर देना, क्योंकि तूने कहते हैं ये नहीं बताया बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ एज इनकम इज सीज इनकम। तो आंसर आना चाहिए 100x अपॉन में 10x इनटू 100। द आंसर इज नॉट 10%, द आंसर इज अप्रोक्सीमेट। जितना अगर अपन देखें तो इसका आंसर आएगा कितना? 1000%। So, 1000% आएगा। हाँ बेटा 1000% आएगा इसका आंसर, ना कि 10% आएगा। व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम इज सीज इनकम? तो ए की इनकम के हिसाब से सी की इनकम कितनी होगी? अगर ए की इनकम को बेस माने, तो अगर ए 10 रुपए कमाता है और ये 100 रुपए कमाता है तो वो उससे 1000% है। कार्तिक 3 रुपए रिफंड करने पड़ेंगे, सो सॉरी बिना। ओके सर, इफ एज इनकम इज 5 of B's income and B's income is 4/5 of C's income, 4/10 of C's income, then what percentage of A's income is C's income? Come on, what percentage of A's income is C's income? Yeah, वो गेम से चलो कि सर अगर आप वापस से C's की इनकम 100x मानते हो, C की इनकम कितनी मानते हो? 100x, तो B की इनकम क्या है? सर देखो B की इनकम है 4/10 ऑफ C, 4/10 ऑफ कितना? C, तो 4/10 ऑफ C निकालेंगे तो B की इनकम कितनी आ गई? 40x। B की इनकम कितनी आ गई बेटा? 40x। सर ये 100x क्यों लेते हो बेटा? परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के अंदर अगर हर चीज को 100 के फॉर्म में ले लिया जाए तो आंसर इजी चलता है। सर इसको आप लेट द नंबर भी x से कराओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है सर, अब बता c की इनकम 100x थी तो b की इनकम कितनी हो गई? 4/10 ऑफ 100x, तो 10 से 10, 0 से 0 कैंसिल, इट बिकम्स 40x। नाउ c की इनकम क्या है? सॉरी a की इनकम क्या है? a की इनकम है 3/5 ऑफ b, 3/5 ऑफ कितना? b। तो अगर बच्चा समझेगा तो ये हो जाएगा 3/5 ऑफ b मतलब 3/5 ऑफ 40x। तो 1 ये कितना हो गया बेटा? 8 तो 3 × 8 कितना हो गया? 24x। तो a की इनकम तो कितनी हो गई? 24x। अब सर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ a, तू बेस में रहेगा, a तू नीचे रहेगा क्योंकि ऑफ a ऑफ, तो c's इनकम इज a's इनकम, तो अपनी मिलती c's इनकम अपॉन में कितना? c's इनकम अपॉन में a's इनकम, c's इनकम अपॉन 200 इनटू कितना बेटा? 100। तो सी की इनकम है बेटा 100x अपॉन में 24x इनटू कितना? 100। कम ऑन, एक्स एक्स कैंसिल। अगर अपन बात करें तो एक प्रकार से 10,000 डिवाइड बाय 24 बच्चों ने कराया तो 416.66% आ रहा है। शायद इस बार बच्चों ने अपनी मिस्टेक को या थोड़ी सी पिछले बार की, देयर आर 1100 बॉयज and 700 girls in a school of which 42% of the boys and 30% of the girls, 42% of boys
एंड 30% ऑफ गर्ल्स पास्ट. फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड. क्या सर ये ऑफिस से पेटीएम का क्वेश्चन है? यस ठीक है सर, आप तो ये देख लो 42% ऑफ दी बॉयज. मतलब क्या 42% ऑफ दी बॉयज हैं तो ये तो पास हुए. गौरव देखो मिल जाएंगे वैसे. मतलब फेल कितने हुए? 58% ऑफ 1100. और सर कितने बन गर्ल्स पास हुई? 30% ऑफ दी गर्ल्स पास हुई. तो 30% ऑफ दी गर्ल्स पास हुई तो बेटा फेल कितनी हुई? फेल हुई 70% ऑफ 700 अपॉन में टोटल बच्चे कितने हैं? 1100 प्लस 700. भाई टोटल बच्चे तो 1800 है ना, तो टोटल बच्चों की बात करनी है. और सर ये अपन ने क्या निकाल लिया? सीधे फेल का ही निकाल लिया. सीधे क्या निकाल लिया? फेल का इंटू कितना? 100. तो सर अब तो थोड़ा इजी होने वाला है अगर ढंग से देखें तो. 58 इंटू 11 580 प्लस 58. 580 प्लस 58 व्हाट इज व्हाट? बताओ बताओ बताओ. 580 प्लस 58 इज 638. और शायद यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ गया? 490. और अपॉन में कितना है? 1800 इंटू कितना? 100. ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल. द फाइनल आंसर जो तुम्हारा आ जाएगा 1128 डिवाइड बाय 18. तो अगर बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि सर यस ये 62.66% है तो ठीक है, आई एक्सेप्ट द आंसर. गौरव मैं आपको पेटीएम कर देता हूं. 62.6 कम फ्रॉम एडजॉइनिंग कंट्रीज. एडजॉइनिंग कंट्रीज व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट्स इन नेक्स्ट 3 years इन इंडियाज पॉपुलेशन. इन इंडियाज पॉपुलेशन या एवरेज परसेंटेज ऑफ माइग्रेंट्स इन अ पीरियड ऑफ 3 years. इन अ पीरियड ऑफ कितना मुझे बता? 20% ऑफ क्या? अगर इंडिया की पॉपुलेशन आज 100x है तो नेक्स्ट ईयर कितने आ गए? इसमें 20% माइग्रेंट्स आ गए तो अब इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 120x. ठीक है सर, दिस इज द ईयर वन. फिर इसके बाद और क्या 20% आए? हाँ सर और 20% आए. तो वो 20% किसका? 100 का कि 120 का? बेटा इस बार 20% तो 120 का होगा ना. तो सर 20 अपॉन 100 इंटू कितना कर रहे हो आप? 120. तो बेटा ऐसे में आ जाएंगे 24x. तो कितने हो गए? 144x. तो ये कौन से में हो गई? ईयर टू में. ईयर थ्री में कितने आए बेटा? ईयर थ्री में भी 20% आए, लेकिन 20% ऑफ इस बार कितना होगा? 144x. तो सर ये कितना हो जाएगा? 1 ये 5 और अगर आप ढंग से करोगे तो शायद ये 28.8x आएगा. 28.8. तो सर ये कितना हो गया अगर आप ढंग से करें तो? तो बेटा ये हो जाएगा तेरा 172.8x. अब मैं तेरे से दो क्वेश्चंस के आंसर देता हूं कि इंडिया की पॉपुलेशन थी कितनी? 100x. और 3 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 172.8x. तो सर ओवरऑल इन 3 सालों में माइग्रेंट्स कितने आए? माइग्रेंट्स क्या 20 + 20 + 20 60x आए कि 72.8x आए? सर देखो हर साल 20% नई पॉपुलेशन का होता है, तो इसका 20% फिर इसका 20% फिर इसका 20%. तो सर ओवरऑल अगर अपन देखें तो 100x की पॉपुलेशन 172.8x हो गई ड्यू टू माइग्रेंट्स. अब अगर इसको इसका एवरेज निकाल लें, एवरेज कितना आया तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा बेटा? 3, क्योंकि ये 3 इयर्स की बात हो रही है बेटा. डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा? 3. तो अगर इन 3 सालों में देखें तो एवरेज 24.27% अपने आप पे क्या हुआ है? इमिग्रेशन. एवरेज करें तो सर एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 3. एक तो ये. अच्छा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, अगर तुम माने कि इस बार इंडिया की पॉपुलेशन का परसेंटेज इन बाहर वालों का कितना है, तो अगर मैं बोलूं कि आज इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो गई? 172.8x. 3 साल बाद तो इतनी हो गई ना बेटा, 172.8x. और उसमें से बाहर वाले कितने हैं? बाहर वाले हैं सर 72.8x. 72. क्योंकि घर वाले कितने थे? 100x. और बाहर वाले कितने हैं? 72.8x इनटू कितना? इनटू कितना बेटा? 100. तो अगर अपन देखें तो बाहर वालों का परसेंटेज निकालें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 7280 डिवाइड बाय 172.8. तो कैसा इसको आप थोड़ा सॉल्व कर सकते हो बेटा? देख ले अप्रोक्सीमेट. अगर अपन सॉल्व भी करेंगे
तो शायद ये कितना परसेंट आ जाएगा, अगर आप देखो तो एक जीरो डालो कि 1728 आ जाएगा, तो 1728 का कितना, शायद 4 के आसपास कुछ आएगा, शायद 17 14 46 44% 43% के आसपास इसका आंसर आएगा। तो सर दो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन तो बेटा ये था तेरे पास, एक क्वेश्चन तो ये था कि एवरेज कितने माइग्रेंट आए, तो सर 100x थे, 100 के कितने हुए पहले 120, फिर जो 20% बढ़ेगा वो 20% किसका बढ़ेगा, 100x का कि 120 का, बेटा 120 का, 120 का 20% 24x, 144x हो गया, फिर 20% किसका बढ़ेगा, इसका बेटा 20% ऑफ 144x, तो कितना है 28.8x, मतलब कितना हो गया 172.8x, 172.8x, ठीक है सर, ये बढ़ गई। अब आपके पास दो क्वेश्चन है कि एवरेज ग्रोथ रेट कितना हुआ या एवरेज माइग्रेशन रेट कितना हुआ, तो सर आप खुद चेक कर लो, 3 साल पहले 100x था, अब 172.8x है, तो माइग्रेंट कितने आए 72.8x, तो इसका एवरेज निकाला जाए, एवरेज तो डिवाइड बाय कितना करना पड़ेगा 3, तो 24.27, दिस इज द एवरेज, मतलब ईयरली हर ईयर एवरेज निकाला जाए तो 24.27 माइग्रेंट्स आए। सेकंड, माइग्रेंट्स का क्या परसेंटेज हो चुका है हमारी पॉपुलेशन में, तो हमने बोला दिल पे हाथ रख के कि अब हमारी पॉपुलेशन क्या 100x रही है कि 172.8 हो चुकी है, सर अब अपनी पॉपुलेशन 172.8 हो चुकी है, इसमें माइग्रेंट्स कितने हैं, माइग्रेंट्स कितने हैं 72.8, तो 172.8 नीचे आ जाएगा क्योंकि टोटल पॉपुलेशन है, ऊपर कितना आ गया जितने माइग्रेंट्स है 72.8 इंटू कितना 100, क्योंकि सर आपने आज का लेक्चर शुरू ही